आज मैंने बनाई है ये न्यू डिजाइन, देखिए कितनी सुंदर बनाई है। ये मैंने बहुत ही आसानी से बनाई है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ दो दो फंदे छोड़ के मैंने ये कलियाँ बनाई हैं। आप चाहें तो इसे साड़ी से, दुपट्टे से, ऊन से, किसी से भी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये वाली वीडियो पहले से ही ओम चौहान के चैनल पर डाली हुई है। तो ये छोटा सा डोरमैट है, आपको दिख रहा होगा। तो इसे हम कैसे बड़ा करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए हमें कलियाँ बनानी पड़ेंगी, तो हम चार कली बनाएंगे और तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ पहले। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब इसके लिए हम कलियाँ बनाएंगे। तो उसके लिए हम दो कलर लेंगे, जो भी आपके पास कलर हो आप उसी से बना सकते हैं। मैंने इसमें 14 फंदा डाल लिए हैं। अब इस तरीके से सादा बनाएंगे, देखो ऐसे। पहली रो में हम कुछ नहीं करेंगे, ना कोई फंदा घटाएंगे, ना कोई फंदा बढ़ाएंगे, बस ऐसे ही बनाते जाएंगे। आप इसे ऊन से, साड़ी से, दुपट्टे से, किसी से भी बना सकते हैं। जो भी आपके पास पुराने कपड़े हों आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, पूरी वीडियो देखेंगे और तो अपना इस तरीके से डोरमेट बनाना सीख जाएंगे। देखिए मैंने कोई फंदे घटाए नहीं, कोई फंदे बढ़ाए नहीं, बस मैंने एक सादा रो लगाई है। तो अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरे फंदे से बनाना शुरू करेंगे। अब यहां से नीचे की तरफ से हम दो फंदे छोड़ देंगे। अगर आप दो दो करके फंदे छोड़ेंगे तो आपकी छह छह कलियां बनेंगी, अगर आप एक एक करके फंदा छोड़ेंगे तो तीन तीन कलियां बनेंगी। यहां से सॉरी दो फंदे छोड़ देती हूँ और फिर से ऐसे ही बनाना है। बस सीधी तरफ से हमें कुछ भी नहीं करना, बस लास्ट वाला फंदा हम सीधे लेंगे। बस देखिए ये लास्ट वाला फंदा हम ऐसे लेंगे, ऐसे। अब फिर से बनाना शुरू करेंगे, तो पहला फंदा हम उतारेंगे, दूसरे फंदे से बनाना शुरू करेंगे और लास्ट में जा करके हम दो फंदे फिर से छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी एक कली को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब क्या करना है। देखो यहां से फिर से मैंने दो फंदे छोड़ दिए, तो ऐसे ही अपनी पूरी सिलाई के दो दो करके फंदे छोड़ देती हूँ, फिर दिखाती। तो देखिए मैंने सभी फंदों को ये दो दो करके छोड़ दिया है, आपको दिख रहे होंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले कलर से ही बनाते जाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरे फंदे से बनाएंगे। मैं आपको कलर चेंज करके और दिखाती हूँ। देखिए अब यहाँ से नीचे की तरफ से अपने कलर चेंज करेंगे, इधर की साइड से नहीं करेंगे क्योंकि हमारी किनारी एकदम प्रॉपर आ रही है। अब यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही जो भी आपके पास कलर हो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और अपनी इसी तरीके से कलियां बना सकते हैं। तो देखिए इस वाले फंदे को, लास्ट वाले फंदे को हम सीधा ही लेंगे इस तरीके से, और जैसे हमने ये वाली कली बनाई है ये वाली, वैसे ही सभी कलियों को बना लेंगे। तो देखिए मैंने ये कलियां बना ली है, एक एक कलर से एक कलियां, देखो। तो अब क्या करेंगे, हम इन फंदों को बंद कर देंगे, उल्टी तरफ से ही सभी फंदों को बंद करेंगे ऐसे।
सभी फंदों को बंद करेंगे। बस डबल फंदा लेंगे और बंद कर देंगे, फिर से डबल लेंगे, फिर से बंद कर देंगे। तो ऐसे जैसे मैंने आपको ये वाली कली बनाकर दिखाई है, ऐसे ही हमें तीन पार्ट और बनाने हैं और फिर अपने डोरमेट के साथ अटैच करने हैं। बहुत ही आसानी से ये सुंदर सी प्यारी सी डिजाइन बनके तैयार हो जाती है। इसमें कुछ भी नहीं करना होता और आप चाहे तो इसे ऊन से भी बना सकते हैं। देखिए तो ये मेरे सभी फंदे बंद हो गए, मोड लगा देंगे साथ ही साथ। देखिए नोट लग गई है, धागे को कट कर देते हैं। और ऐसे जैसे मैंने आपको ये वाले छह कलियां बनाकर दिखाई है, ऐसे ही हमें चार परत और बना तीन परत और बनानी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए एक दो तीन और ये चार, चार पार्ट मैंने बना लिए हैं। अब इसका कैसे हम डोरमेट में अटैच करेंगे आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए तो अब मैं आपको डिजाइन बना के दिखाऊंगी इसकी। देखो कितनी आसानी से डिजाइन बन जाती है। तो देखिए ऐसे रखेंगे एक तरफ और एक तरफ हम ऐसे रखेंगे। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। और अगर आप चारों इस तरीके से चारों पार्ट लगाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। आप इसमें से दो डिजाइन बना सकते हैं, अंडा आकार का भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये डोरमैट। तो अब मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। तो सिलने से पहले इसे हम उल्टा करेंगे ऐसे, इसे भी उल्टा करेंगे, सभी को उल्टा करेंगे पहले। यहां से कोने से सिलाई करेंगे। जैसे मैं आपको सिल के दिखा रही हूँ उसी तरीके से हमें सिलना है, पूरे डोरमेट की सिलाई को करना है। ऐसे खींचते हुए लेंगे थोड़ा सा। देखिए तो ऐसे ही हमें पूरे डोरमेट की सिलाई करनी है ऐसे। तो पहले सिलाई कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा पूरा डोरमेट, पूरे डोरमेट की सिलाई हो गई है। अब देखो मैंने धागे में नोट लगा के धागे को कट कर देती हूँ। देखो पूरा डोरमैट सिल के बन के तैयार है। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये डोरमैट और काफी बड़ा हो गया है ना। देखो तो ये मेरा बन के तैयार है। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हो खाटू श्याम जी की।